दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता और वो चीज लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जिसने न सिर्फ आम आदमी के दिलों पर राज किया बल्कि बड़े बड़े नेताओं से अभिनेताओं तक ने इस कार की शाही सवारी को पसंद किया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर की। न जाने कितने लोगों ने इस कार से ड्राइविंग सीखी, न जाने कितने लोगों की यह पहली कार रही। तो चलिए आज चलते हैं उस सफर पे जब हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर भारतीय सड़कों पर राज किया करती थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा। दोस्तों 1942 में सर बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत की मॉरिस मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन में और असेंबली प्लांट पोर्ट ओखा गुजरात में था। भारत की आज़ादी के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वेस्ट बंगाल के उत्तरपाड़ा प्लांट पर लगा दिया गया जहां पर फर्स्ट कार बनी जो कि थी हिंदुस्तान 10 जो मॉरिस 10 पर बेस्ड थी। और दोस्तों हिंदुस्तान एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। 1957 में हिंदुस्तान एम्बेसडर को इंडियन कार मार्केट में उतारा गया और इसकी एक शोरूम प्राइस सिर्फ 14,000 रुपये हुआ करती थी। दोस्तों वो हिंदुस्तान एम्बेसडर ही थी जो कि भारत में पहली कार बनी थी। एम्बेसडर की फर्स्ट जनरेशन सीरीज पर मार्क 1 की बैचिंग की गई थी जिसमें एचएम ने 1476 सीसी साइड वल्फ पेट्रोल इंजन लगाया था। बस फिर क्या था, 1957 से एक आइकॉनिक कार हिंदुस्तान एम्बेसडर का सफर शुरू हो चुका था। मार्क 1 सीरीज एम्बेसडर को कंपनी ने 1962 में बंद करके मार्क 2 वर्जन को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों मार्क 2 एम्बेसडर को 1962 से 1975 तक बनाया गया और 70s के टाइम में दो कार एम्बेसडर को कंपटीशन दिया करती थी, एक थी प्रीमियर पद्मिनी और एक थी स्टैंडर्ड की गेजेल। 1975 से 1978 तक मार्क 3 एम्बेसडर को बनाया गया और यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन एम्बेसडर में बदले गए जिसमें फ्रंट विंड स्क्रीन वाइपर कॉन्फ़िगरेशन को बदला गया जिसमें दोनों वाइपर्स एक ही डायरेक्शन में घूमे, इस तरह का चेंज किया गया। और यहाँ तक आते आते एम्बेसडर को और भी लग्जरियस बना दिया गया फुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ में। दोस्तों 1979 में मार्क 4 एम्बेसडर आई जिसमें कंपनी ने आउटर लुक्स को चेंज किए और 1980 में 1489 सीसी बीएमसी बी सीरीज डीजल इंजन के साथ मार्क 4 एम्बेसडर को भारतीय कार मार्केट में उतारा गया जिसकी एक शोरूम प्राइस 50,000 रखी गई। और दोस्तों ये पहली डीजल कार थी इंडिया में और शुरुआत में यह डीजल वेरिएंट सिर्फ टैक्सी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ही अवेलेबल था। दोस्तों 1990 तक आते आते काफ़ी लग्जरियस कार जैसे कि हिंदुस्तान कॉन्टेसा, प्रीमियर 118 एनी, मारुति 800 एम्बेसडर के कॉम्पिटिटर बन चुकी थी, जिसके बाद 1990 में हिंदुस्तान मोटर्स ने मार्क 4 एम्बेसडर को बंद किया और यहां से मार्क की बैजिंग एम्बेसडर से हट गई। और दोस्तों एम्बेसडर की फिफ्थ जनरेशन को एम्बेसडर नोवा के नाम से इंडियन कार मार्केट में उतारा गया। पर दोस्तों 90s के बाद इंडिया में डीजल कार्स का क्रेज बढ़ने लगा जिसके बाद 1992 में एम्बेसडर क्लासिक मॉडल को इंडियन कार मार्केट में उतारा गया जिसके अंदर 1817 सीसी का इसुजू जैपनीज इंजन जो कि कंपनी कॉन्टेसा में भी दिया करती थी उसको इंस्टॉल किया गया। और दोस्तों यहां से एम्बेसडर में बकेट सीट्स और फ्लोर गियर शिफ्ट आने लगा जिसके बाद एम्बेसडर की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसके बाद एम्बेसडर वीआईपी पर्संस के लिए बनाई जाने लगी। हिंदुस्तान एम्बेसडर इंडियन आर्मी के लिए भी बनाई गई और इस कार में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया। दोस्तों एम्बेसडर की 5mm की लोहे की चादर इस कार को बुलेट प्रूफ बनाती है। 1998 में एम्बेसडर इसुजू मॉडल ने दिल्ली मोटर शो में क्लासिक मोनेकर इंडियन राजदूत नाम लिया और यही नहीं हिंदुस्तान एम्बेसडर ने वर्ल्ड्स बेस्ट टैक्सी अवार्ड भी अपने नाम दर्ज किया गया। और दोस्तों एम्बेसडर को ओल्ड बॉलीवुड मूवीज और 90s के काफ़ी सारे हिट गानों में देखा जा सकता है। 1998 के बाद काफ़ी सारी लग्जरियस कार्स इंडियन कार मार्केट में आने लगी और मारुति 800 ने अपना नाम मार्केट में बना लिया था जिसको देखते हुए कंपनी ने 2003 में एम्बेसडर ग्रैंड को इंडियन कार मार्केट में उतारा जिसमें कंपनी ने 137 चेंजेस किए और इस वर्जन को और लग्जरियस बनाकर इंडियन कार मार्केट में उतारा गया। पर दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर की जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन थी उसमें कभी कुछ बदलाव नहीं किया और इसकी वजह से एम्बेसडर की डिमांड में गिरावट आने लगी।
2004 से 2010 तक एम्बेसडर एविगो और 2013 में एम्बेसडर एनकोर मॉडल को बनाया गया, पर दोस्तों ये भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा एम्बेसडर के लिए और मई 2014 में एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इसी के साथ इस आइकॉनिक कार का सफर यहीं पर थम गया। आखिरी मॉडल एम्बेसडर की एक शोरूम प्राइस 5.42 लाख थी। दोस्तों 11 फरवरी 2017 को फ्रांस की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी पेगवे के साथ हिंदुस्तान मोटर्स ने एग्रीमेंट किया और एम्बेसडर ब्रांड को 80 करोड़ में खरीद लिया। दोस्तों हिंदुस्तान एम्बेसडर को यूके में भी फुल बोर मार्क 10 के नाम से बेचा गया हीटर और सीट बेल्ट के साथ, ताकि ये यूरोपियन सेफ्टी लेजिस्लेशन को कम्प्लीट करे। पर दोस्तों ये भी कुछ खास नहीं रहा और इस कार की सेल्स नहीं हो पाई और कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों एम्बेसडर एक ऐसी लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन कार रही इंडिया की, जिसका प्रोडक्शन 57 ईयर्स तक रहा। और दोस्तों हिंदुस्तान एम्बेसडर की बॉडी के ऊपर स्टेशन वैगन पिकअप ट्रक्स भी बनाए गए, जिसमें स्टेशन वैगन में इजीली 14 लोगों को बिठाया जा सकता था। और दोस्तों कोलकाता में आज भी हिंदुस्तान एम्बेसडर टैक्सी काले और पीले रंग में आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदुस्तान एम्बेसडर ओल्ड मॉडल्स आज भी काफी सारे चाहने वालों ने संभाल कर रखी है और कई युवाओं ने तो एम्बेसडर को मॉडिफाई भी किया है। कुछ लोगों ने तो एम्बेसडर को लिमोजिन में कन्वर्ट भी कर लिया। और दोस्तों एम्बेसडर पहले भी किंग ऑफ रोड्स थी और आज भी किंग ऑफ रोड्स है और आगे भी किंग ऑफ रोड्स ही रहेगी। और दोस्तों अभी पेगवे एम्बेसडर भी आने वाली है। अब देखना यह है कि क्या ये नया अवतार एम्बेसडर का आज की जनरेशन की कार्स को टक्कर दे पाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एम्बेसडर की ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपने कभी भी इस गाड़ी की सवारी की हो या आप इस गाड़ी को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपनी पुरानी मेमोरीज वापस याद आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।